हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू संगीता चौधरी व्लॉग। सुबह सुबह का दिन है और व्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको हमारे घर के बाकी मेंबर से भी मिलाती हूँ। जैक आपको गुड मॉर्निंग विश करते हुए, और अभी उसको याद आया कि वो तो क्लीन हुआ ही नहीं है, खुद को साफ करके आपको गुड मॉर्निंग विश करेगा। ये दोनों जेल और टिकू माँ बेटी बैठे है आराम से और देख रहे हैं आपको गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। आज ये लोग बाहर का व्यू लेते हुए बैठे है, गैलरी का ये साइड बैठे है। ये हमारी नानी जी। नानी जी प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। नानी जी हमारे व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग विश कर दीजिए एक बार। जोर से बोलिए नानी जी। नानी जी कितना प्यार से गुड मॉर्निंग विश कर रही है आपको। और ये यहाँ पे हमारी बहन सोनाली। गुड मॉर्निंग सोनाली। किचन का डोर बाय डिफॉल्ट दिया गया नहीं था, फिर हम सोच रहे थे कि किचन के लिए क्या करे क्या करे, और स्लाइडिंग डोर ही बेटर रहेगा, वो कम जगह घिरेगा, ऐसे करके हमारा डिसाइड हुआ था। बाद में हमारा ये डिस्कशन चल रहा था कि वुडन का स्लाइडिंग डोर बनाए या और कुछ करे जिससे एसी की हवा किचन में जाने से रुक जाए। हमने वो भी देखे, एसी की हवा कट करने वाले कर्टन प्लास्टिक के जो होते हैं वो भी हमें कुछ प्रॉपर जमे नहीं। बाद में हमने डिसाइड किया कि ग्लास का डोर बनवा देते स्लाइडिंग वाला, तो वही हमने बनवाने के लिए दे दिया था हमारे सिद्धि विनायक ग्लास हाउस में, और वो बन चुका है। आज ही उसका इंस्टॉलेशन होने वाला है। उसके लिए थोड़ी सी पैनलिंग की नीड थी जो कि हमने हमारे कारपेंटर से करवा दी थी, तो मैं पहले आपको पैनलिंग दिखाऊंगी और उसके बाद ग्लास डोर कैसे क्या लग रहा है और किस टाइप का ग्लास डोर है वो आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इस टाइप की पैनलिंग की गई है, और ये जो सनमाइका है, ये जो लेमिनेट है, यह हमारे मेन डोर के साथ में मैचिंग है, और यहाँ पे स्लाइडिंग डोर लगने वाला है। यही है हमारे किचन का ग्लास डोर, स्लाइडिंग लगने वाला है। मैंने ही पसंद किया था, हमारे सिद्धिविनायक ग्लास हाउस में से बनवाया है, और जस्ट अभी अभी इसकी डिलीवरी हुई है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये रही इसकी पैनलिंग, इस पैनलिंग के अंदर ये ग्लास अब इंस्टॉल होने वाला है, ग्लास का डोर। इधर से पैनलिंग का लुक ऐसे है, और यहाँ पे बाहर से ही स्लाइडिंग आएगा। मैं बना रही हूँ चाय ग्लास डोर के काम करने वाले भैया लोगों के लिए। हमारा ग्लास डोर लग गया है, भैया ने काफ़ी अच्छा काम किया। हमें डाउट हो रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, मजबूत होगा कि नहीं, बिकॉज ये कैसे किचन का डोर है, रफ यूज़ होने वाला है, बट भैया ने ग्लास डोर की बहुत अच्छी अच्छी फिटिंग की है, मजबूत किया है। मैं आपको पहले डोर दिखाती हूँ फिर भैया से मिलाती हूँ। ये रहा हमारा किचन का ग्लास डोर। सोनाली इसे बंद करके दिखाओ एक बार, और ये बंद होने पे इस टाइप से दिखता है। ये डिज़ाइन मैंने चॉइस की थी, और ये मेन एसी की हवा रोकने के लिए लगवाया है, तो यहाँ पे जो ये रबर है, ये भैया ने आइडिया दिया था कि यहाँ पे रबर भी लगवा दिया जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और सेफ्टी भी हो जाएगी। तो इस टाइप से हमारा किचन का ग्लास डोर लग रहा है। अब मैं आपको भैया से मिलाने जा रही हूँ। भैया थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मस्त फिटिंग की है ग्लास डोर की। थैंक यू सो मच काम करने के लिए हमारा इतना अच्छा। आप कुछ बोलना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को? नहीं नहीं ठीक है।